सो गाइस कि आप भी एक जीबी व्हाट्सअप यूजर हैं तो आपको पता होगा माय कॉन्टैक्ट नेम कलर गाइस, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कुछ इस तरीके का आप कैसे चेंज कर सकते हैं गाइस। उसके बाद जो यहाँ पे फ्रंट स्टाइल अपना कुछ इस तरीके का जो है कैसे कर सकते हैं गाइस, इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको शुरू से बताऊंगा गाइस, यहाँ पे डिफॉल्ट कर दूंगा सारे सेटिंग को, उसके बाद यहाँ पे करके दिखाऊंगा इसका कलर जो है कैसे चेंज कर सकते हैं गाइस, और उसके कलर जो यहाँ पे कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे फ्रंट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। तो क्या करना होगा इस वीडियो को लाइक करके और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो चलिए मैं अंदर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और गाइस इसको मैं यहाँ पर डिफॉल्ट कर देता हूँ, जल्दी से आपको जो है पूरा समझ में वीडियो आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो है गाइस, तो हम आज को मोबाइल के होम स्क्रीन के ऊपर, और होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या गाइस, अभी तक आप लोगों ने जीबी व्हाट्सअप डाउनलोड नहीं किया तो गाइस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर सिंपली जीबी व्हाट्सअप को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जीबी व्हाट्सअप को ओपन करना है, ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो जीबी व्हाट्सअप को पूरा जो है मैं यहाँ पर डिफॉल्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर कोई भी यहाँ पे माय कॉन्टैक्ट नेम कलर नहीं है, कोई सब यहाँ पर टेक्स्ट का कलर यहाँ पर चेंज नहीं है। इस वीडियो में गाइस यहाँ पर चेंज करके दिखाऊंगा। तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर दीजिएगा 3 डॉट, तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जीबी सेटिंग का एक ऑप्शन, तो सिंपली आपको जीबी सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने मिल जाएगा, तो सिंपली आपको होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक राव का ऑप्शन, दूसरे नंबर पर दिख जाएगा गाइस हेडन का नीचे, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पे आपको दिख जाएगा टेक्स्ट कलर गाइस, यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिख जाएगा टेक्स्ट कलर यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में दिख जाएगा कॉन्टैक्ट नेम कलर गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम कलर पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कलर जो यहाँ पे चॉइस कर सकते हो कौन सा आपको कलर चाहिए नेम कलर में, तो सिंपली यहाँ पे मैं रेड पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे आपको करना है न्यू क्लियर पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो आपका जो है कलर यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ से आपको बैक आना है। तो गाइस यहाँ पे बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो गाइस नेम का यहाँ पे कलर जो यहाँ पे चेंज हो चुका है गाइस। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का भी कलर जो है यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस। तो इसको जो है चेंज करने के लिए सिंपली आपको फिर से गाइस यहाँ पे 3 डॉट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जीबी सेटिंग आपको मिल जाएगा, तो सिंपली आपको जीबी सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे होम स्क्रीन वाला ऑप्शन पे आकर गाइस यहाँ पे है यहाँ पे राव पे क्लिक करना है। इस पर राव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट का यहाँ पे कलर दिख जाएगा, तो आपको टेक्स्ट कलर पे आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे कलर चाहिए तो सिंपली यहाँ पे कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे सिंपली मुझे चाहिए ये वाला कलर, यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू क्लियर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा राइट साइड में न्यू क्लियर का ऑप्शन, सिंपली आपको न्यू क्लियर पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको बैक आना है, बैक आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो कलर जो यहाँ पे चेंज हो चुका है, टेक्स्ट का भी यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, और यहाँ पे नेम का भी यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद गाइस बताने वाला हूँ फ्रंट स्टाइल को यहाँ पे चेंज कैसे कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 3 डॉट, यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। गाइस फ्रंट स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके गाइस यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करना है होम में, यहाँ पे दिख जाएगा यूनिवर्सल का ऑप्शन गाइस, तो सिंपली यूनिवर्सल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से गाइस यहाँ पे आपको कलर्स वाला ऑप्शन यहाँ पे यहाँ पे स्टाइल लुक एंड फील वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे स्टाइल लुक एंड फील पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्रंट स्टाइल का ऑप्शन, तो सिंपली आपको फ्रंट स्टाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, गाइस यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे जो यहाँ पे फ्रंट स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे कोई सा भी यहाँ पे फ्रंट स्टाइल जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं सिंपली ये वाला जो फ्रंट स्टाइल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला आप फ्रंट स्टाइल जो सेलेक्ट करते हो तो ये वाला फ्रंट स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सिंपली यहाँ से बैक आना। सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ से आपको बैक आते ही गाइस यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट स्टाइल भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, उसके बाद नेम कलर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट का भी यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, उसके बाद फ्रंट स्टाइल भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो कुछ गाइस इस तरीके जो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, देख सकते हो कितना जो अमेजिंग यहाँ पे जीबी व्हाट्सएप यहाँ पर मॉडिफाई हो चुका है गाइस। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद तो लाइक करना गाइस, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो गाइस मिलता है अगले वीडियो में एक नया टिक लेकर, तब तक के लिए बाय।